अच्छा दोस्तों भाइयों, ये अपने मास्टर पेज के अंदर का भी थोड़ा सा सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको वाइट सीमेंट लगाया है और अब काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया है, तो हमारा मास्टर पेज तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जाली छोड़ी थी यहाँ से, फिलहाल लगाई नहीं थी, लेकिन अब इसको इंशाल्लाह यहाँ से पक्का कर देंगे और इस जाली को काट के यहाँ से यहाँ पर पक्का कर देंगे और इसको किले ठोकेंगे इंशाल्लाह और ये सेट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम ये तार लगाएँगे। आज मैंने सिर्फ यही काम किया है, एक मरतबा आप फिर देखने के यहाँ पर मैंने ये मसाला वगैरह डाला है, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है मैं इसको ये मैं लाया हुआ हूँ। फिलहाल हम इसके ऊपर ना इसको लगाएंगे क्योंकि जाली हमारी लगी हुई है, जाली के ऊपर इसको लगाएंगे और इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाएंगे। लेकिन सीन ये है कि ब्लॉग इसलिए छोटा होने वाला है, तो ऊपर आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको आवाज़ आई है नहीं, बादल गरज रहे हैं और गहरे बादल आ गए हैं और अब तो हवा भी ऐसा ऐसा तेज़ हो रही है, तो अगर मैं ये भी लगाने की कोशिश करूँगा, अचानक अगर हवा तेज़ हो गई ना तो ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मेरे मास्टर केस से आगे जाएगा ताकि जो दोपहर को और दोपहर के बाद जो धूप आती है वो इस साइड से आती है, ठीक है, और जब इस साइड से धूप आएगी तो वो थोड़ा सा ना उसकी धूप को यहाँ से ना ये कम करके और साया यहाँ पर आएगा। लेकिन ये मैं आज नहीं लगा सकता, इसलिए बादल बड़े गहरे आए हैं, हवा तेज़ चल रही है, तो ये हमें तंग करेगा और इसने लगना नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी भी। अब आपको आवाज़ आ रही होगी, बादल गरज रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, थोड़ा सा बिजी होता हूँ, और साथ में ना मौसम का भी आजकल माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम पेंडिसलाबाद का हुआ है कि रोज़ असर के वक्त ना बादल आ जाते हैं, तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होती है, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, जिस तरह गर्मी है इस तरह मौसम प्यारा भी हो जाता है। लेकिन हमारे मास्टर केज का काम थोड़ा सा पेंडिंग हो गया है इसकी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में अब देखेंगे आप दोस्त भाई भी सजेशंस देंगे तो हम अपने पेट्स व्लॉग्स बनाएंगे। बाकी मंडियों का बहुत सारे दोस्त भाई शुरू कर रहे पूछ रहे थे, तो वो हमने शुरू करना है, फतेहचंद मंडियाँ वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह, गोंदल दोमेल वगैरह मंडी शुरू करेंगे, साथ भाई भी कह रहे थे। लेकिन सीन ये है कि जो इस्लामाबाद की जो मंडी जो संगजानी और बाटा चौक की मंडी का है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने एक पोस्टर पढ़ा था उसमें लिखा था कि 30 या 31 मई को बिडिंग होगी मंडी के लिए, तो उसके बाद ही कंफर्म होगा, तो मुझे जब 100% कंफर्म न्यूज़ आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मंडी का क्या बना है। लेकिन इतना आप कन्फर्म कर लें कि जी ईद से 10-15 दिन पहले ही मंडी लगनी है, तो मंडियाँ इंशाल्लाह हम कवर करना आप शुरू करेंगे, 200 यारों को इंशाल्लाह कुर्बानी के जानवर दिखाएंगे, साथ में अपने पेट्स व्लॉग्स भी शेयर करेंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मेरा मास्टर केज कंप्लीट हो तो मैं इंशाल्लाह इसमें परिंदे वगैरह रखूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भी एक्साइटेड है इसमें क्या रखेंगे क्या रखेंगे, मुझे अभी खुद भी कन्फर्म नहीं है इसमें क्या रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो भी रखेंगे बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से रखेंगे, ठीक हो गया। तो इसकी हम सजावट भी करेंगे, ये आप गमले देख रहे हैं, इन गमलों में सिर्फ मिट्टी पड़ी है, तो इसमें हम पौधे लगाने की कोशिश करेंगे, अच्छे पौधे लगाएंगे और यहाँ पर हम इनके नेस्ट वगैरह लगाएंगे जहाँ जहाँ हम लगा सकें, ठीक है, अच्छी तरह से इंशाल्लाह इसको सजाएंगे और सेट करेंगे। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आपके भाई के हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक है, लेकिन जब मेहनत करो ना तो बड़ा मज़ा भी आता है, हालात ख़राब हो जाए कोई मतलब नहीं, हालत ख़राब हो जाए लेकिन मज़ा बड़ा आता है, दिल को खुशी होती है कि जी सारा काम खुद किया है। तो आप इजाज़त दे दें, बारिश शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारा मास्टर केज कल कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।